हरित क्रांति क्या है? एक क्रांति, और क्रांति मतलब भारी परिवर्तन। क्रांति मतलब भारी परिवर्तन। सामान्यतः क्रांति को हम खूनी क्रांति समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का भारी परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन हुए तो क्रांति कहलाती है। और हरित मतलब खाद्यान्न से, अनाज से, हरियाली से संबंधित क्रांति, इसलिए इसे कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति अर्थात ऐसी क्रांति जिसमें खाद्यान्न भारी मात्रा में उत्पादित किया गया, या एक ऐसा परिवर्तन जिसमें भारी मात्रा में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ी, उसे कहते हैं हरित क्रांति। जिस काल में हरित क्रांति आई, इसके पूर्व यानी 1967-68 के पूर्व भारत में खाद्यान्न की क्या स्थिति थी, इसे आप अब तक बखूबी समझ गए होंगे। क्या दुर्दशा थी हमारी, किस बदहाली से हम गुजर रहे थे भोजन के मामले में, ये अब हम समझ चुके हैं। और कल्पना करिए, ये वो देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं, और दूध की नदियों से तात्पर्य था खाद्यान्न के मामले में, भोजन पानी के मामले में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर थे। वो देश का ये हाल कि हम कटोरा ले लेकर विदेश जाने लगे थे, विदेश जाते थे, और हमारे नेता वहाँ से खाद्यान्न या उससे संबंधित चीज़ लेकर भारत आते थे। आखिर ये स्थिति क्यों हुई, ये भी हमने समझ गया, और जो समस्याएं हमने समझी उसमें हमने बताया कि पाकिस्तान से दो युद्ध हुए, कुछ राजनीतिक बदलाव भी इस काल में हुए, आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ हमें असफलताएं मिली, साथ ही भयंकर अकाल भी पड़ा, आदि आदि। ये समस्याएं इसी काल में हुई जिसने हमारी खाद्यान्न की समस्या को और बढ़ा दिया। उत्पादन की समस्या तो थी ही, लेकिन उसके अलावा इन समस्याओं ने खाद्यान्न की समस्या को और गहरा कर दिया। भारत में अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया, दुष्प्रभावित किया, और भारत का जो आर्थिक विकास था, उसकी जो दर थी, उसमें गिरावट आई, खासकर खाद्य पदार्थों में कमी हुई, और भारतीय नेतृत्व को, भारत सरकार को ये बार बार चिंता सताने लगी कि कैसे इन स्थितियों से निपटा जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि इन स्थितियों के होने का एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि इसने भारतीय नेताओं को चिंतन के लिए विवश किया, इस दिशा में चिंतन के लिए विवश किया कि कैसे हमारी स्थिति को इस स्थिति से उबारा जाए, कैसे इस विषम स्थिति से निकला जाए। इसलिए भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि का उद्देश्य रखा। कृषि उत्पादन में तेज वृद्धि, मात्र वृद्धि ही नहीं, तेजी से वृद्धि, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। अर्थात कृषि में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता अब हमारा लक्ष्य हो गया, हमारे नीति निर्धारकों का एक लक्ष्य हो गया। और यहीं से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। पहली बात तो वो लक्ष्य चाहिए, वो सोच चाहिए। अकाल की स्थिति, भुखमरी की स्थिति के दौर से जो हम गुजर रहे थे, उसको देखकर जिस तरीके से भारत सरकार हिली, उसने ठान लिया कि अब हम इसमें आत्मनिर्भर होकर ही रहेंगे। और यहीं से ये दृढ़ निश्चय को ही हम हरित क्रांति के शुरुआत की नींव मानते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? पैदावार को बढ़ाकर खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, ये हमारा उद्देश्य, आत्मनिर्भर बनना खाद्यान्न के क्षेत्र में। अब हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निर्धारित हो गया, तीव्र विकास उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में। लेकिन उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, समग्र प्रयास, तो उसको हम तीन उद्देश्यों में बांट सकते हैं।
या हम कह सकते हैं कि इस उद्देश्य के मूलतः तीन तत्व थे, तीन घटक थे। पहला, कृषि का निरंतर विस्तार, अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें लगातार बढ़ाव हो, लगातार कृषि क्षेत्र का बढ़ाव हो। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कृषि क्षेत्र का विस्तार जारी था, लेकिन 60 के दशक में इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया और ये कार्य हरित क्रांति के अंतर्गत किया गया। कौन सा कार्य? कृषि विस्तार का कार्य। तो पहला जो इसका घटक था, महत्वपूर्ण निर्णय था इसके तहत, उद्देश्य की प्राप्ति के तहत, वो था कृषि का विस्तार करना। दूसरा, दोहरी फसल, डबल क्रॉपिंग, क्रॉप यानी फसल, दोहरी फसल का निर्णय लेना। अभी तक भारत में जो किसान थे वो एक फसल उगाते थे और वह फसल भी मानसून की वर्षा पर निर्भर होती थी। तो पहली बात तो फसल एक ही बार, 4 महीने में फसल, 8 महीने खाली, जमीन खाली और किसान खाली। दूसरी समस्या, दूसरी बात यह थी कि कभी मानसून यदि असफल रहा, मानसून तो प्राकृतिक गतिविधि है ना, यदि कभी वर्षा नहीं हुई, मानसून फेल हो गया, अवर्षा की स्थिति से गुजरे, तो उस वर्ष फसल ही नहीं होगी। एक तो एक फसल का निर्णय और ऊपर से वर्षा पर निर्णय, मानसून की वर्षा ना होने पर वो एक फसल भी नदारद, तो परिणाम क्या? स्वाभाविक है, अकाल, अकाल यानी भुखमरी आदि आदि। तो दूसरा निर्णय लिया गया कि दोहरी फसल का उद्देश्य रखा गया सामने, डबल क्रॉपिंग, साल में दो फसल बोई जाएगी, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया, या बोने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मौसमी फसल के अलावा एक गैर मौसमी फसल भी होगी। हरित क्रांति के अंतर्गत दो फसल काटने का जो निर्णय लिया गया, सवाल ये उठा उसमें दूसरी फसल कहाँ से आएगी, उसके लिए जो पानी की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से आएगा। तो ज़रूरी हुआ कि इरिगेशन, अर्थात इरिगेशन मतलब नहर आदि की व्यवस्था की जाए। एक फसल तो वर्षा से मिल जाएगी और जो कभी कभी असफल भी रहेगी, लेकिन दूसरी फसल जो कृत्रिम वर्षा पर आधारित होगी, जो नहर आदि के बल पर होगी, बांध आदि के माध्यम से जिसमें से पानी दिया जाएगा, वो कृत्रिम वर्षा कहलाएगी। तो कृत्रिम वर्षा से पर आधारित सिंचाई सुविधाएं और यंत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो पहली क्रॉप वर्षा पर आधारित, मानसूनी वर्षा पर, दूसरा क्रॉप कृत्रिम वर्षा पर आधारित। और कृत्रिम वर्षा कहाँ से होगी? सिंचाई संसाधनों के जरिए, नहरों आदि के जरिए, सिंचाई संबंधी यंत्रों आदि के जरिए, और साथ ही प्राकृतिक वर्षा का जो बहुत सारा पानी व्यर्थ बह जाता है उसको रोक कर भी, उसको संचित करके भी, अर्थात बांध आदि के माध्यम से पानी को रोका जाए और उस पानी का उपयोग गैर मानसूनी मौसम में किया जाए कृषि के उद्देश्य से, और इस प्रकार दोहरी फसल पाने के उद्देश्य में सफलता पाई जाए। कोशिश ये की गई कि प्राकृतिक वर्षा के पानी को किसी एक जगह संचित किया जाए, एकत्रित किया जाए, और उसका प्रयोग मौसमी फसल के लिए ना करके गैर मौसमी फसल के लिए करें। इस तरह भारत में एक वर्ष में दो फसल होंगी और खाद्यान्न उत्पदार्थों की अधिकतर पैदावार मिलने लगेगी। हरित क्रांति की सफलता से जुड़ा हुआ तीसरा घटक, या हरित क्रांति की सफलता के लिए जो तीसरी परमावश्यक चीज जो निर्धारित की गई, वह थी अच्छे बीजों का प्रयोग सुनिश्चित करना, यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छे बीजों का प्रयोग सुनिश्चित करना।
एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसके पीछे क्या तर्क था कि खराब बीज से फसल खराब होती है, फसल होती ही नहीं, और अच्छे यदि बीज हों तो फसल या उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उतने ही क्षेत्र में उत्पादन डबल किया जा सकता है, ज़्यादा फसल पैदा की जा सकती। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था कृषि के क्षेत्र में स्थापित की गई 1965 में। ICAR वर्तमान में भी ये बहुत बड़ा कार्य कर रही है खाद्यान्न के क्षेत्र में, नई नई खोज, नए नए बीजों की खोज, नए नए तरीके ईजाद कर रही है खेती के। तो इसका बड़ा अहम योगदान रहा, जिसकी स्थापना 1965 में ICAR के नाम से हुई और 1973 में इसका पुनर्गठन भी किया गया। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में उसमें कुछ बदलाव भी किए गए और भारत में चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा, इसके विशेष तरीके की किस्में तैयार करने में ICAR का बहुत बड़ा योगदान है। चावल, मक्का, गेहूं और बाजरा, यानी भारत का जो स्टेपल फूड है, जिसे हम कहते हैं आधारभूत भोजन, आधारभूत खाद्यान्न, आधारभूत खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ICAR ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और बहुत सफलता पाई। उसी की सफलता का परिणाम है कि हरित क्रांति सफल हुई या हरित क्रांति हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1962-63 से लागू होती है, उसमें हरित क्रांति को सफल बनाने पर जोर दिया गया। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य एक तरीके से कृषि और उद्योग दोनों को लेकर चलने का था, और कृषि के मामले में इस बात पर जोर दिया गया कि हरित क्रांति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से प्रयास किया जाए। अच्छी किस्मों के बीज का उत्पादन, सिंचाई के साधन संसाधनों का विस्तार और किसानों को आधुनिक खेती के क्षेत्र में शिक्षा देना, आधुनिक खेती के विषय में उनको ट्रेनिंग देना, उन्हें अधिक शिक्षित करना, ये हमारी तीसरी योजना में कृषि के तहत मुख्य उद्देश्य रखे गए। परिणाम बहुत आशातीत रहे, उत्पादन कई गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ा उत्पादन। और जो भारत जो एक आयात करने वाला देश था, और वो भी आयात व्यवस्था में बहुत मजबूरी थी, वह अब निर्यातक बन चला बहुत कम काल में। कारण नियोजित विकास का प्रयास, कारण नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कृषि क्षेत्र में समग्र रूप से सरकार ने अपने को झोंक दिया, और उसी का परिणाम था कि हमारा उत्पादन जो है, कृषि उत्पादन इतना बढ़ गया कि हम खाद्यान्न आयात करने वाले देश ना होकर के अब खाद्यान्न निर्यात करने वाले देश बन गए 10 वर्षों के भीतर। तो अगला बिंदु हम देखते हैं हरित क्रांति की सफलताएं। हरित क्रांति को अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन मतलब खेती से उसका संबंध है, हरियाली से संबंध है, क्योंकि बाद में आप पढ़ेंगे एक दो और क्रांतियां हुई जिसमें एक वाइट रिवॉल्यूशन भी है, एक ब्लू रिवॉल्यूशन भी है, क्या है थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जानें ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या क्या सफलताएं थी, क्या क्या इसके परिणाम हुए। और परिणामों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम भी। हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले अच्छे परिणाम क्या थे, थोड़ा उस पर नज़र डालें। पहला अच्छा परिणाम, जैसा मैंने बताया, रिकॉर्ड उत्पादन वृद्धि या उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, सबसे बड़ी सफलता रिकॉर्ड पैदावार। 1978 आते आते भारत में 131 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ, और इस प्रकार जो देश आयात करता था
वो अब निर्यात करने की स्थिति में आ गया, 131 मिलियन टन। आप गेहूं, भारत का डेटा यदि देखें, गेहूं के उत्पादन का डेटा, तो देखिए कितना अंतर आपको दिखाई देगा। और हरित क्रांति के काल में ये जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। ये चार फसलों की पैदावार का रिकॉर्ड आप देखिए, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बहुत ज़्यादा अंतर है। और इसका सारा श्रेय हरित क्रांति के दौर को जाता है। दूसरा, फसल क्षेत्र में वृद्धि। मैंने जैसे कहा कृषि विस्तार, तो ऐसी खेती के लिए उपजाऊ जमीन, खेती उपयुक्त जमीन में भी, जमीन के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। इंक्रीमेंट इन क्रॉप फील्ड, फसल क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ। बहुत सारे नए क्षेत्र जोड़े गए जो कृषि युक्त पाए गए या कृषि युक्त बनाए गए। और इस प्रकार जो एग्जिस्टिंग भूमि थी खेती की, उस पर ही केवल इतना दबाव नहीं डाला गया, बल्कि नए क्षेत्र तैयार किए गए खेती के लिए। तीसरा, सुखद परिणाम, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। भूख है भजन न होई गोपाला, कहते हैं ना, खाली पेट कुछ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। यदि पेट भरा है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो यदि देश के किसानों का, मजदूरों का, निर्धन तबके के लोगों का, जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं, उनका यदि पेट भरा खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन से, तो निश्चित रूप से उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। क्योंकि उत्पादन में मूलतः इन मजदूरों का और किसानों का ही योगदान रहता है। ये वही तबका है जिसके बल पर हम तथाकथित विकास की बात करते हैं, जिनके बल पर। ये मजदूर हैं, ये किसान हैं, जिनको हमें खुश रखना ज़रूरी है। और हरित क्रांति के कारण ही ये संभव हो पाया कि भारत का वह तबका, किसानों का, मजदूरों का, जिसे कृषि क्षेत्र से फ़ायदा मिला, उसने औद्योगिक क्रांति को में बहुत सहयोग दिया। हरित क्रांति के कारण अच्छे बीज आए, अधिक पानी मिला, क्योंकि पानी को स्टोर करने के और पानी को निकालने के नए नए जरिए ईजाद किए गए। खाद्य और कृषि यंत्रों का निर्माण हुआ नए नए, और इसके निर्माण के लिए नए नए उद्योग लगाए गए। तो कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उद्योग लगाए गए, उसने बहुत सुखद परिणाम दिए। हरित क्रांति के तीसरे परिणाम का जिक्र तो मैं पूर्व में कर चुका हूँ, और वह है औद्योगिक विकास को बढ़ावा। और आपको यह समझा भी चुका हूँ कि हरित क्रांति और औद्योगिक विकास में क्या संबंध रहा, लेकिन ये तय है कि ये इसका, हरित क्रांति का एक बहुत सकल परिणाम रहा। जो यंत्र आदि का निर्माण हुआ वो सब कृषि आधारित या कृषि केंद्रित यंत्रों का निर्माण भारी मात्रा में हुआ। नए नए ट्रैक्टर, नए नए तरीके के औजार, नए नए तरीके के यंत्रों का को तत्कालीन इंजीनियरों ने, वैज्ञानिकों ने ईजाद किया और उसका बखूबी उपयोग किया उत्पादन बढ़ाने में। और इस सब के लिए निश्चित रूप से भारी मात्रा में उद्योग लगे होंगे, फैक्ट्रियां लगी होंगी, प्लांट लगे होंगे, और ट्रेंड हाथ आए होंगे, ऐसे कुशल हाथों की भरमार हुई जो लोग कृषि में इन यंत्रों को बनाने में माहिर थे। परिणाम क्या कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। तो औद्योगिक विकास और उससे संबंधित रोजगार, ये तीसरा अच्छा परिणाम, सुपरिणाम हरित क्रांति का। चौथा सुपरिणाम, बांधों का निर्माण भारी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में विशालकाय बांधों का निर्माण हुआ।
वैसे तो भाखरा नंगल बांध और कुछ अन्य बांध पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में बना दिए गए थे, लेकिन अब बांधों की बाढ़ आ गई। पानी को संचित करने के उद्देश्य से और दूसरी फसल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया और इस निर्माण की प्रक्रिया में भी हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार जो थे उनको रोजगार मिला होगा निश्चित रूप से। तो बांधों का निर्माण और उससे संबंधित रोजगार अगला परिणाम, पांचवा छठवां अच्छा परिणाम था जल विद्युत शक्ति को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ वाटर एनर्जी। बांधों का जो निर्माण हुआ तो उससे जो जल शक्ति निकलती है इस जल शक्ति ने विद्युत उत्पादन में बहुत मदद की। इसका जो विज्ञान है जल शक्ति का बांध से संबंधित ये तो किसी अन्य विषय का मुद्दा है, पर आप समझ सकते हैं कि पानी के बहाव की तीव्रता से विद्युत पैदा की जाती है, टरबाइन के माध्यम से जल शक्ति को विद्युत शक्ति में बदला जाता है और ये उस काल में काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ, जिससे हमारी जो बिजली के उत्पादन में जो कमी थी उसे भी काफ़ी कुछ हद तक उस पर नियंत्रण किया जा सका, उस कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सका। अगला सुपरिणाम, विदेशों में भारतीय किसानों की मांग, हरित क्रांति में किसानों का जो उत्पादन हुआ, हरित क्रांति में किसानों ने जो अपनी गुणवत्ता दिखाई, हरित क्रांति में इतना ज़्यादा उत्पादन करके उन्होंने जो नाम कमाया उसका परिणाम ये रहा कि इन किसानों की मांग विदेशों में होने लगी। विदेशी लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय किसानों को अपने देश में बसाने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए, कई तरह का प्रोत्साहन दिया। कनाडा में उसने भारत सरकार से किसानों की मांग की और इसी कारण हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान परिवार कनाडा में जाके बस गए हैं और आज वहाँ स्थायी निवासी हैं। तो कनाडा में इतने सारे पंजाब और हरियाणा के किसानों का होने के पीछे हरित क्रांति में उनके द्वारा की गई सफलता जिम्मेदार है, जिसने कनाडा की सरकार का ध्यान खींचा और भारत सरकार से उसने अनुरोध किया और इस प्रकार उनको प्रोत्साहित किया कनाडा आने के लिए, कई सुविधाएं दी, कंसेशंस दिए, उसके तहत बहुत से परिवार वहां जाके बसे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं इनके सुपरिणामों की जो श्रृंखला है उसमें अगला सुपरिणाम क्या था कि रिकॉर्ड उत्पादन के कारण भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी, भारत आत्मनिर्भर बना। भारत के आत्मनिर्भर बनने से भारत के खुद का जो गौरव था जिस पे बहुत डेंट लगा था, बहुत चोट पहुंची थी, बहुत धक्का लगा था, वो धीरे थोड़ा वापस आया। भारत को एक जो गरीब निर्धन दरिद्र खाद्यान्न की कमी वाले देश के रूप में जाना जा रहा था, अब वो कुछ हद तक इस तरह की भावना हटी और थोड़ी राहत मिली। अगला जो इसका सुपरिणाम वो था कि इस सब के कारण भारत की जो इमेज विदेश में बढ़ी, भारत की जो छवि सुधरी, उस छवि के सुधार में बहुत बड़ा योगदान भारत द्वारा समय पर विदेशों की कर्ज अदायगी भी थी, विदेशों के से ली गई कर्ज की अदायगी भारत कर पाया हरित क्रांति के कारण, क्योंकि खाद्यान्न का आयात बंद हुआ, विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ बढ़ी जो लगभग समाप्त हो चुकी थी, तो इस प्रकार अब हम विदेशों से जो हमने कर्ज लिया था उसे काफ़ी हद तक हमने वापस किया और इस प्रकार हमारी अपनी प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची थी अब कुछ राहत मिली। तो हरित क्रांति के समय या उससे पहले ली गई जो विदेशी संस्थाओं से जो हमने कर्ज लिए वो लगभग पूरी तरह वापस कर दिए गए, ये बहुत बड़ा सुपरिणाम था। अगला परिणाम,
राजनीतिक स्थिति में बढ़ोतरी। जैसा मैंने बताया, भारत का विश्व मंच में हरित क्रांति के पहले के काल में जो हश्र हुआ, अब हरित क्रांति के बाद उसका जो स्टेटस था, उसका जो विश्व मंच में जो स्थान था, वो उस पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत की जो छवि थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बेहतर हुई। भारत आत्मनिर्भर तो हुआ ही, अमेरिका को खाद्यान्न के लिए जो हम निर्भर हो गए थे, अब वो नहीं रहा। अमेरिका से अब हम पूरी तरह स्वतंत्र थे, और इसका प्रभाव हम 1971 की लड़ाई में देखते हैं। अर्थात हरित क्रांति का असर 1971 की लड़ाई में भी देखा जाता है। कैसे? हम अमेरिका से स्वतंत्र हो गए, उस पर हमारी निर्भरता समाप्त हो गई। स्वतंत्र मतलब किससे? खाद्य के मामले में हम स्वतंत्र हुए, उससे उस पर हमारी निर्भरता समाप्त हुई। तो 1971 की लड़ाई में अमेरिका जो अभी तक पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वह भारत को कतई अब चाबी नहीं भर पा रहा था, भारत को कतई उसके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पा रहा था, भारत को धमकियां नहीं दे पा रहा था, भारत को खाद्यान्न के नाम से धमकियां नहीं दे पा रहा था। और इसलिए भारत 1971 की लड़ाई में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम था, और उसने लिया बिना अमेरिका की धौंस की या दबाव की परवाह किए बिना। उसने जैसा उचित समझा पाकिस्तान के साथ, वैसा उसके साथ सरोकार किया। परिणाम सामने, भारत उस युद्ध में विजयी ही नहीं हुआ, बल्कि उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में सफलता पाई, एक पाकिस्तान और दूसरा नए देश का निर्माण, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति में बढ़ोतरी, राजनीतिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी तो ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति में, विश्व मंच में ठीक है, लेकिन राजनीतिक स्थिति में भी हमारे जो स्टेटस में, हमारे जो जो हमारे अपना जो स्तर था, वो काफ़ी ऊंचा उठा। वैसे तो हरित क्रांति के सुपरिणामों की, अच्छे परिणामों की चर्चा की जाए तो वो अनंत है। जीवन के हर पहलू को हरित क्रांति ने प्रभावित किया, राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और मानसिक पहलू की भी यदि बात करें तो। मन से अब भारतीय अपने को सक्षम समझने लगा, काबिल समझने लगा, और ये भावना भारतीयों में आई कि यदि हम चाहें तो हम कर सकते हैं। हरित क्रांति ने इतना बढ़िया संबल हमको दिया। अब इसकी सफलताओं या इसके अच्छे परिणामों में अंतिम परिणाम की चर्चा करें, नहीं तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो अंतिम परिणाम जिसे आप जानना चाहिए वो है बुनियादी ढांचे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने जैसे शुरू में बताया, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुनियादी ढांचा होता है। शरीर की यदि हम बात करें तो शरीर का बुनियादी ढांचा क्या है? उसकी हड्डियां। यदि हड्डियां मजबूत हैं, कैल्शियम उसमें पर्याप्त है और अन्य तरीकों से भी मजबूत है, खान पान के कारण मजबूत है, तो उसके ऊपर जो मांसल हिस्सा है जिससे शरीर बना है, वह भी मजबूत रहेगा। तो शरीर की नींव उसका हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा मजबूत है तो शरीर भी मजबूत रहेगा। सबसे पहली ज़रूरत यही। ऐसे ही यदि आर्थिक ढांचा मजबूत है तो औद्योगिक विकास अच्छा रहेगा, कृषि का ढांचा मजबूत है तो कृषि का विकास अच्छा रहेगा। तो बुनियादी ढांचे में विकास हरित क्रांति की एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिले, और नए नए उद्योग, नई नई तकनीक, नए नए आविष्कार सामने आए, नई नई खोजें सामने आई, और इसके बड़े उत्साहजनक परिणाम दिखे। तो इस तरह हम देखते हैं हरित क्रांति के फायदे या हरित क्रांति के परिणाम, अच्छे परिणाम। मैंने पहले आपको कहा था
कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। यदि हम अच्छे परिणामों की बात कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हरित क्रांति से के बहुत अच्छे परिणाम आए, तो दुर्भाग्य से इसके एक दो पहलू ऐसे भी थे जिसे हम दुष्परिणामों की श्रेणी में डाल सकते हैं। उसे हम कह सकते हैं हरित क्रांति से उपजी समस्याएं। हरित क्रांति के आने से कुछ दूसरे ढंग की समस्याएं पैदा हो गई। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय या एमर्ज इन द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक और हरित क्रांति से जहां विकास के नए नए रास्ते खुले, हर तरह का विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास, यांत्रिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास आदि आदि, वहीं इसने कुछ समस्याओं को भी जन्म दिया। यदि समस्याओं की बात करें तो संक्षिप्त में पहली समस्या, भले ही खाद्यान्न संकट तो खत्म हो गया परंतु ये कुछ समय के लिए था। खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, तात्कालिक समस्या समाप्त हुई, लेकिन इसे हम सतत नहीं रख पाए। बाद में खाद्यान्न संकट जब तब पैदा होता रहा। आज भी भारत में हम कई बार देखते हैं खाद्यान्न संकट हो गया, जैसे कभी कभी कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है। दूसरा परिणाम, दुष्परिणाम या दुष्परिणाम नहीं कहना चाहिए, दूसरी समस्या हरित क्रांति के कारण उपजी, वो है 1980 के दशक में वर्षा ना होने से हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाया विशेष। तो इससे ये जाहिर हुआ कि हम अभी भी दो फसल लाने में पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुए हैं। जमीन से दो फसल लेने में पूरी तरह सफल नहीं हुए क्योंकि कृत्रिम वर्षा आधारित खेती अभी भी हमारे यहाँ कम है। तो जो आत्मनिर्भरता जो हमने पाई थी या सोची थी और मिली भी, वो कुछ क्षणिक रह गई, कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तीसरा दुष्परिणाम, हरित क्रांति के बावजूद भी 1998 में हमें प्याज का आयात करना पड़ा। हरित क्रांति के बावजूद शायद जिन चीजों का उत्पादन किया गया उसमें किसी कारणवश प्याज के उत्पादन में कमी हो गई। परिणाम क्या हुआ? आयात। 2004 में चीनी आयात करनी पड़ी। अगली जो समस्या वो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति का परिणाम जो है, सुपरिणाम या हरित क्रांति की सफलता की जो मैंने बात की है और 9-10 बिंदु जो पूर्व में बताए, ये मोटा मोटा हम पाते हैं ये सफलता उत्तरी भारत के क्षेत्रों में सीमित रही। ये सफलता हम उत्तरी भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा देखते हैं। भारत के का काफ़ी बड़ा हिस्सा हरित क्रांति के क्रांतिकारी प्रभावों से अछूता रह गया, लेकिन उतनी ही सफलता में ही हमने रिकॉर्ड उत्पादन कर लिया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। काश ये पूरे देश में हरित क्रांति होती तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादक देशों में गिने जाएं, और उसकी संभावना अभी भी है। लेकिन सच्चाई ये कि हरित क्रांति का प्रभाव हम उत्तर भारत में ज़्यादा देखें। आप देखेंगे उत्पादन गत वर्षों की तुलना में इन क्षेत्रों में आगे ज़्यादा हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में मोटा मोटा यथावत रहा या कम हुआ होगा। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है कालाहांडी। उड़ीसा में एक क्षेत्र है कालाहांडी, एक ऐसा क्षेत्र जहां आज भी जब तब सूखा पड़ता है, और सूखा और अकाल के कारण आज भी वहां पे मौत के आंकड़े सामने आते रहते हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक और जहां हम हरित क्रांति का इतना बखान कर रहे हैं, एक और जहां हम इस बात पे गौरवान्वित हो रहे हैं कि विश्व मंच पर राजनीतिक और खाद्यान्न के क्षेत्र में हम, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत विकास कर चुके हैं, वहाँ दूसरी ओर
भारत के अंदर ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें काला हांडी है। काला हांडी इस बात के लिए बदनाम है कि वहाँ आज भी भुखमरी और अकाल से लोगों की मौतें होने की खबर आती रहती है। तो इस प्रकार हरित क्रांति से पैदा हुई समस्याओं की यदि हम बात करें तो कुछ समस्याओं का हमने जिक्र किया, लेकिन निचोड़िए इस पूरी बातों का कि कुल मिलाकर हरित क्रांति ने हमारे विकास में कई कदम वृद्धि की और कुछ क्षेत्र फिर भी अछूते रह गए। अब आवश्यकता है उन क्षेत्रों पर, हरित क्रांति से जो जुड़ नहीं पाए उन क्षेत्रों पर पैनी नज़र रख के वहाँ पर भी सुधार करने की। हरित क्रांति की परिभाषा देते हुए मैंने आपको बताया था कि ऐसा परिवर्तन जो तीव्र हो, और साथ ही मैंने कहा था कि क्रांति जरूरी नहीं है खूनी हो, और उस तारतम्य में मैंने हरित क्रांति का जिक्र किया था आपको, और फिर उसका अध्ययन भी अपन ने किया हम लोगों ने। हरित माने ग्रीन, रंग से बना है हरित क्रांति, हरे रंग से। इसी प्रकार कुछ और क्रांतियां हुई जिसका संबंध खाद्यान्न से है, लेकिन अनाज से नहीं होकर के, कृषि पैदावार से ना होकर के कुछ अन्य तरह के खाद्यान्नों से उसका संबंध है, और उनको भी क्रांतिक ही माना जाता है, और उन क्रांतियों को भी रंग के आधार पे बुलाया जाता है। उनका नामकरण जो है, उन क्रांतियों का नामकरण भी रंग के आधार पे है। जैसे हरित क्रांति यानी कृषि से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित। दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति से अभिप्राय है दूध संबंधित प्रगति, दूध उत्पादन संबंधी प्रगति। ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी। भारत जैसे विशाल देश में यह संभव नहीं हो पा रहा था कि दूध हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। दूध का उत्पादन भी दिनों दिन घटता जा रहा था, क्योंकि जो दूध उत्पादक पशु वगैरह थे उनके आहार, चरागाह आदि की व्यवस्था दिनों दिन कठिन होती जा रही थी, और दूध हमारी आधारभूत जरूरत थी भारतीयों की। तो एक समय आया कि जैसे हरित क्रांति में दो व्यक्तियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई, जिनके नाम हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, भारत के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और दूसरा नाम एक विदेशी का है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जिन्हें बाद में भारत सरकार ने हरित क्रांति में उनके योगदान के मद्देनज़र उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि दी, जो देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न के बाद सिविलियंस को दिया जाने वाला। वहीं दूसरी ओर विश्व ने खाद्यान्न के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान को लेकर उन्हें 1970 का नोबेल पुरस्कार भी दिया। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार हरित क्रांति के फलस्वरूप। और मात्र भारत में नॉर्मन बोरलॉग का प्रयास नहीं देखा गया, कई अन्य देशों में भी, जिसमें फिलीपींस भी शामिल है, ऐसे क्षेत्रों में नॉर्मन बोरलॉग ने जो कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च किए, खोजबीन की, कृषि के क्षेत्र में जो सुधार किए, उसके लिए विश्व ने उनके कार्यों को सराहा और 1970 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया। एम एस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने तो अवार्ड दिया ही, साथ ही मैगसेसे अवार्ड भी उन्हें, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, एम एस स्वामीनाथन को मिला। जिस प्रकार कृषि उत्पादन के क्षेत्र में ये दो नाम आते हैं, उसी प्रकार श्वेत क्रांति या दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक नाम हमेशा आता है, और वह है बी जे कुरियन का, प्रोफेसर बी जे कुरियन, जिनका देहांत हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व हुआ। बी जे कुरियन गुजरात के आनंद शहर में, देखिए आनंद एक गांव था,
उस समय जब बीजे कुरियन ने वहाँ पर अपना प्रयोग शुरू किया, वहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। फ्लड यानी बाढ़। ऑपरेशन बाढ़ नाम से कार्यक्रम चलाया और उसका उद्देश्य था दूध के उत्पादन को बढ़ाना और दूध का समुचित वितरण। केवल उत्पादन हो जाए तो वो स्वयं में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दूध ऐसा प्रोडक्ट है जिसका त्वरित वितरण भी आवश्यक है, अन्यथा दूध बेकार हो जाएगा। तो उत्पादन और वितरण दोनों के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम करने का श्रेय बीजे कुरियन को जाता है और वे आनंद में गुजरात के गांव में, छोटे से कस्बे में ये प्रयोग शुरू करते हैं और एक सहकारी संघ स्थापित करते हैं। सहकारी संघ अर्थात कोऑपरेटिव, एक बड़ा नया प्रयोग इनके द्वारा होता है। कोऑपरेटिव स्थापित करते हैं और ये एक तरीके से ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। गांव के लोगों के विकास के लिए, गांव में जो दूध का उत्पादन होता था उसका वितरण भी होना आवश्यक था, तो उसके वितरण प्रणाली की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और इस ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास इसका लक्ष्य रखा गया। आज तो ये स्थिति है कि ये जो आनंद है, आनंद के मॉडल को लेकर पूरे देश में अनेक प्रयोग चल रहे हैं और सफल हो रहे हैं। अमूल, यदि आप जानते हैं, अमूल बटर, अमूल मिल्क, ये आनंद का ही प्रोडक्ट है। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? AMUL। अमूल स्वयं में एक शब्द नहीं है, अमूल जो है वह एक्रोनिम है। एक्रोनिम यानी जितने AMUL, आनंद, मिल्क, L फॉर लिमिटेड, U फॉर यूनियन। तो इस प्रकार उसके पहले अक्षर को लेकर एक शब्द बनाया, अमूल कहलाया। और आज भारत में अमूल मतलब मक्खन माना जाता है। जरा सी हसी दुलार जरा सा चाहे कोई भी कंपनी मक्खन बना रही हो, अमूल है क्या ऐसा पूछते हैं, ऐसा कहते हैं, तो स्वयं में एक ब्रांड बन चुका और इसका श्रेय बीजे कुरियन और उनकी आनंद में स्थापित कोऑपरेटिव सहकारी संस्था को। आज से 15 वर्ष पूर्व के जो आंकड़े हैं उसमें 25 लाख लोग दूध उत्पादन से आनंद के साथ जुड़े हैं, इस कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हैं। और इस संघ को राष्ट्रव्यापी दूध उत्पादन और विपणन के साथ जोड़ दिया गया है। ये दूध उत्पादकों का एक संघ बन गया है, पूरे देश के दूध उत्पादकों का एक संघ सामने बन के आया है जो दूध उत्पादन से संबंधित रोजगारों की व्यवस्था करता है, विपणन की व्यवस्था करता है और ग्रामीण लोगों को खासकर रोजगार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सब कमाल बीजे कुरियन द्वारा संचालित अमूल का था। इसी के माध्यम से क्या हुआ, इसके उद्देश्य मैंने आपको बताया, उत्पादन में बढ़ावा और विपणन की समुचित व्यवस्था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? पहला, रोजगार, भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया। दूसरा, दूध उत्पादन बहुत बढ़ा, उनकी आय में बहुत वृद्धि हुई। वे अब दरिद्र नारायण नहीं रहे बल्कि अपने बल पर सक्षम हो गए। तीसरा,
दूध से संबंधित नए नए उद्योग सामने आए। चौथा, सहकारी संस्था सहकारी संघ के आंदोलन को बल मिला। पांचवा, बड़ी सरलता से दूध संबंधित प्रोडक्ट की उपलब्धता। छठवां, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या का दूध उत्पादन से जुड़ना। सातवां, दूध उत्पादन की वृद्धि के कारण श्वेत क्रांति का होना। इतने इसके परिणाम हैं। अमूल की चर्चा अधूरी हो जाएगी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हुई श्वेत क्रांति की चर्चा अधूरी हो जाएगी यदि मैं अमूल से संबंधित उस कैरेक्टर का को न दिखाऊं जो जिसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आपने उसके कई विज्ञापन देखे होंगे अमूल के, अटरली बटरली, और वो लिटिल डॉल जिसको देखकर बच्चे अमूल के चॉकलेट्स लिए बिना नहीं रह सकते। अटरली बटरली डिलीशियस। हे किड्स, स्वाद इसका चख लो, सपने सुहाने में। अमूल जो है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स के उत्पादन और चॉकलेट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसे श्वेत क्रांति का परिणाम मानिए और इसे श्वेत क्रांति की सफलता मानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली क्रांति जो दक्षिण भारत में हुई। दक्षिण भारत में मछली उत्पादन एक बहुत बड़ा उद्योग है और मछली उत्पादन को लेकर वहाँ पर भी काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आए, काफ़ी क्रांतिकारी सुधार हुए और एक मछलियों की उत्पादकता या मछलियों की बहुल्यता बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए उस परिवर्तन को कहा गया नीली क्रांति। नीली क्रांति यानी मछलियों से संबंधित उत्पादन को बढ़ाने वाला बदलाव। दक्षिण भारत, ऐसे ही एक और था सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति यानी अंडों के उत्पादन को लेकर जो भारी बदलाव आया, अंडों की उपलब्धता को लेकर, अंडों के उत्पादन को लेकर, अंडों के अलग अलग वैरायटी को लेकर जो क्रांतिकारी बदलाव आया उसे कहा जाता है सिल्वर क्रांति। सिल्वर यानी चांदी, तो सफ़ेद रंग का क्योंकि अंडा है चांदी से मिलता हुआ, इसलिए उसे सिल्वर क्रांति कहा गया। क्योंकि आपको ये सोचना होगा कि आखिर इतना सारा अंडा उत्पादन और उसका वितरण कैसे संभव हुआ। इस सब की का प्रेरणा स्रोत संभवतः अमूल रहा होगा, क्योंकि उसकी जो विपणन प्रणाली थी, उसकी जो उत्पादन को पूरे देश में फैलाने की जो उनका जो तरीका है सहकारी तरीके से, उसे दूसरे लोगों ने भी बहुत उसका उपयोग किया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में जो भी आर्थिक विकास हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये क्रांतियां नहीं, क्रांतियाँ 1991 के पहले की बात है, लेकिन 1991 की उदारीकरण की नीति के बाद जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल होता है, जिसका श्रेय पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय वित्त मंत्री थे उनको जाता है, तो उन सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास 1991 के बाद जिसमें हुआ
वह था सर्विस सेक्टर, यानी सेवा, सेवा क्षेत्र का विकास। सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर मतलब जिसमें सेवाएं दी जाती हैं, और सेवाएं दी जाने का तात्पर्य क्या है, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, जहाँ पे डॉक्टर लोग सेवा देते हैं, नर्स लोग सेवा देते हैं, चाहे वह अन्य सभी तरह की, जहाँ पे सर्विसेस शब्द आता है, वो सेवाओं की हम बात करें जो अनगिनत सेवाएं हैं। इन सेवाओं का ढांचा 1991 के बाद बहुत बड़े स्केल पे तैयार हुआ, और बड़ी सरलता से अब ये सेवाएं उपलब्ध होती हैं। हमें किसी भी तरह की सेवा चाहिए, चाहे हम होम केयर की बात करें, घर पहुंच सेवा, ये घर पहुंच सेवा, इस तरह की सेवाएं 1991 के बाद बड़ी प्रचुर मात्रा में आई, और आर्थिक विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में संचार क्रांति को हम एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन मान सकते हैं। संचार सेवा, कम्युनिकेशन, यानी मोबाइल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल का उपयोग, आज सारे काम मोबाइल से हो रहे हैं, चाहे वे हमें किसी स्थान के बारे में जानना हो, चाहे वो उस किसी पुस्तक का अध्ययन करना हो, चाहे मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य, न जाने आप सभी जानते हैं कि मोबाइल का कितना भारी उपयोग है, और उसी प्रकार मोबाइल से जुड़ी अन्य सुविधाएं जो हैं, जिसे हम संचार सेवा या कम्युनिकेशन सेक्टर में डाल सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं संचार क्रांति। तो संचार क्रांति का बहुत बड़ा योगदान 1991 के बाद के आर्थिक विकास में रहा है, जिस प्रकार हम कहते हैं सर्विस सेक्टर का योगदान रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। नियोजित विकास के विभिन्न बिंदुओं को का अध्ययन करते हुए अब हम अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं, उससे पहले जिसमें हम जाने कि हमने संक्षिप्त में क्या क्या अध्ययन किया, हम जाने दूसरी हरित क्रांति, जिसे हम कहते हैं सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। कृषि को विकास देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए 2007 में दूसरी हरित क्रांति का दौर शुरू होता है। उस समय निर्णय लिया गया कि अब समय आ गया है जब फिर नए तरीके से ऐसा कुछ किया जाए जिससे दूसरी हरित क्रांति आए, या कृषि उत्पादन में ऐसा प्रभाव आए जैसा प्रभाव पहली हरित क्रांति के दौरान आया था। इसके अंतर्गत पूर्वी राज्यों में बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और गैर सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ऐसे कुछ क्षेत्र जहां पर अभी भी सिंचाई सेक्टर जो है, सिंचाई सेवाएं जो हैं, वो बड़ी कमज़ोर हैं, वहां पर अब पूरी तरह से फोकस करने का उद्देश्य रखा गया, और ऐसा करते हुए ये प्रयास किया जाएगा कि कृषि उत्पादन जो इन क्षेत्रों में बहुत कम रहा है उसे बहुत बढ़ाया जाए, उसे बढ़ाया जाए। ये जानने की बात है कि 1966 की जो पहली हरित क्रांति हुई थी उसमें सिंचित क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन पर बल दिया गया, अब ये दूसरी हरित क्रांति में विकास का क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा ऐसा माना गया, क्योंकि पहली हरित क्रांति, जैसा मैंने बताया, उत्तर भारत की सफलता उसमें ज़्यादा आंकी जाती है, जहां जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब दूसरी हरित क्रांति में ऐसे क्षेत्रों को देखा जहां पर चावल का उत्पादन बहुत होता है, तो दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य ये भी था कि एक ओर जहाँ इन क्षेत्रों में हरित क्रांति जैसे परिणाम लाए जाएँ, वहीं दूसरी ओर जो खाद्यान्न के मामले में जो इम्बैलेंस हो गया है, खाद्यान्न के मामले में जो असंतुलन हो गया है,
क्षेत्रीय असंतुलन, यहाँ गेहूं की बहुलता और यहाँ पर चावल की बहुलता, तो चावल का उत्पादन भी इस स्तर तक बढ़ाया जाए, इस हद तक बढ़ाया जाए कि वे गेहूं के उत्पादन के आसपास आ सके। तो इस प्रकार दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने का भी था खाद्यान्न के मामले में। आज कृषि विकास पर बल देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। भारत का आर्थिक विकास यदि हम बात करें तो वो आर्थिक विकास कोई मायने नहीं रखेगा, बेमानी हो जाएगा यदि कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार अब इस अध्याय की समाप्ति पर हम कह सकते हैं कि पूर्व में जो हमारे उद्देश्य थे, जिसे अध्याय के प्रारंभ में बताया गया था, लगभग वो हमने उन उद्देश्यों को पूरा पा लिया है। इसमें हमने आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर किए गए राजनीतिक फैसलों को जाना, राजनीतिक फैसले आर्थिक मुद्दों पर। उसके बाद हमने मुख्य बहस क्या क्या थी, वाद विवाद के मुद्दे क्या थे, उसको लेकर क्या अहम फैसले हुए, अंततः क्या निष्कर्ष निकला, आपको याद होगा वो भी हमने किया। पहले जो दो दशक थे उसमें नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई, ये भी स्पष्ट हुआ। 1950-60-70 में वाद विवाद के बाद जो निष्कर्ष निकले उसको लेकर किस तरह की रणनीति, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, ये भी स्पष्ट हुआ, और इस रणनीति की क्या उपलब्धियां हुई। उपलब्धियों की जब बात करते हैं तो ये बात भी आती है कि जहां हम असफल हुए उसकी क्या सीमाएं थी, या सफलता असफलता दोनों ही परिप्रेक्ष्य में हमारी मुख्य उपलब्धियों की क्या सीमाएं थी, किस दायरे के अंदर हम इन उपलब्धियों को पा सके और कितना पा सके, सवाल ये भी हमने जाना, इसका उत्तर जाना कि बाद में इस रणनीति को छोड़ा क्यों गया, अर्थात इशारा है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों त्यागा, ऐसी क्या बातें थीं जिसको लेकर हमें परिवर्तन, विकास की दिशा में एक परिवर्तित मार्ग की ओर चलना पड़ा।